आप एक नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो ये खबर आपको देखना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको पता लगेगा कि किस तरह से शोरूम संचालक आपके साथ धोखा कर सकते हैं। गुना में स्थित मारुति सुजुकी शोरूम पर कुछ लोगों ने गाड़ियां बुक की थीं, जिसके एवज में उन्होंने पूरा पेमेंट भी जमा करा दिया था। तब मारुति शोरूम के मैनेजर राठिया जी द्वारा उन्हें गाड़ी की डिलीवरी 1 तारीख को करने की बात कही गई, लेकिन गाड़ियां 1 तारीख को इन लोगों को नहीं मिल पाई, जिसके बाद इन्हें बताया गया कि इनकी गाड़ियां रास्ते में हैं और 3 तारीख को इन लोगों से कुछ कागजों पर घर जाकर दस्तखत करवाए और कहा गया कि इन पर साइन कर दें, जिसके चलते इन गाड़ियों की ग्वालियर से निकाली जाएंगी। जानकारी के अभाव में इन लोगों ने गाड़ियों के उन कागजों पर दस्तखत भी कर दिए, लेकिन जब ये लोग 4 तारीख को गाड़ियां लेने पहुंचे तो पता लगा कि इनकी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया है और अब इन्हें डैमेज गाड़ियां ही लेनी पड़ेंगी। साथ ही में इन लोगों को हिदायत दी गई कि इनका इंश्योरेंस क्लेम करवा लीजिए, जिससे आपकी गाड़ी सही हो जाएगी। इतना सुनते ही इन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि गाड़ी कोई 150 में नहीं आती जो सुधरवाई जा सके। एक व्यक्ति ने गाड़ी के एवज में तकरीबन 12 लाख रुपए शोरूम पर एक मुश्त जमा करवाए थे। गाड़ी मालिक ने बताया कि जब वह गाड़ी की बात करने जाता है तो वहाँ मैनेजर उनसे अभद्रता करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि गाड़ी आपके नाम तभी ही हो गई थी जब आपने साइन किए थे और 1 लाख रुपए गाड़ी के नाम पर पहले से ही शोरूम संचालक को जमा करा लिया और गाड़ी के नाम पर टूटी हुई गाड़ियां लोगों को देने की बात कही। समस्या पर है कि इन गाड़ियों का बीमा पहले ही ले लिया जाएगा तो फिर गाड़ियों की कीमत भी कम हो जाएगी। इसी के चलते गाड़ी मालिकों ने शिकायत सिटी कोतवाली में दर्ज कराई है। अब देखने लायक होगा कि क्या इनका फैसला होता है। वहीं हम आपको ये सुझाव भी देते कि यदि कभी भी कोई गाड़ी बुक कराएं या कोई भी कागज साइन करें तो सबसे पहले उसे अच्छी तरह से पढ़ दें, नहीं तो यह धोखाधड़ी आपके साथ भी हो सकती है। वहीं गाड़ी मालिकों ने उपभोक्ता फोरम में जाने की बात भी कही। जब 1 तारीख को ये इंसिडेंट हो चुका है, जब 1 तारीख को आपकी गाड़ी झूठ बोल के साफ साफ बताए गए हैं कि आपकी गाड़ी ग्वालियर से फेल हो रही है, आप कागज पे जल्दी साइन करो। आपको रिकॉर्डिंग सुना दूं मैं, जिस बंदे ने हमारे यहाँ पे की है, ये गलत बात है। इस बंदे ने हमारे घर पे साइन आके करवाए हैं, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। क्या कर रहा है, क्या मारुति कर रही है सर? 3 तारीख को इन्होंने आके हमसे साइन कराए हैं ऑन बिहाफ ऑफ दैट कि आपकी गाड़ी वहाँ से रिलीज हो रही है, ट्रॉले में डलनी है। जब तक ये गाड़ी के कागज स्क्रीन नहीं होंगे तब तक वो वहाँ से रिलीज नहीं होगा, जबकि सबको पता था गाड़ी 1 तारीख को एक्सीडेंट हो चुकी है। अगर क्यों बताइए सर, क्यों हमारा विश्वास है? 1 तारीख को सिग्नेचर होते हैं, 3 तारीख को क्यों साइन कराया आपने हमसे? अब उसमें जब आपको एक पढ़ने नहीं दिया, हम लोगों को क्या क्या लिखा है उसमें, क्यों नहीं बताया कस्टमर्स को? किसी को पढ़ने भी नहीं दिया, क्यों डॉक्यूमेंट हमें धोखे में रखा गया? नहीं कराया सर आपने, हमें धोखे में क्यों रखा गया? आप ये धोखे में क्यों 3 तारीख को साइन क्यों किया? डॉक्यूमेंट नहीं दिया हमें तो नहीं मिला। पहले आपने 3 तारीख को क्यों कराया? जब 28 को मिली हुई थी तभी कराया। तो गाड़ी 24 कैरेट चाहिए। अब जब हम यहाँ से आए हुए हैं तो आपका फर्ज बनता है गाड़ी में ना कोई दूध हो, आधी गाड़ी क्यों आता है डायरेक्ट टिकट है, इसलिए ना एकदम नंबर जैसे सेकंड हैंड ले लेते सर, आधी कीमत भी मिल जाती नहीं आएगा। नहीं परफेक्ट गाड़ी चाहिए आपको है ना, जो गाड़ी ट्रू वैल्यू से है, ट्रू वैल्यू पे इसी रेट में क्यों नहीं देते गाड़ी? इसी रेट में क्यों नहीं देते जो आपने यहाँ पे बिल किए? कस्टमर ने बेची सेकंड हैंड करेगा। फिर भी मैंने 4 तारीख तक कवर किया, 4 तारीख को बोला गया गाड़ी नहीं, 3 तारीख से हमारे साइन करा लिए हैं, झूठ बोल के कि आपकी गाड़ी आ रही है, 1 तारीख को एक्सीडेंट हो गया, ये धोखाधड़ी नहीं तो और क्या है? बताया क्यों नहीं हमें कि ये गाड़ी अभी आपको रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ ना, अभी आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। रिकॉर्डिंग नहीं सुननी मेरे को, क्यों नहीं सुननी? मैं तो इनके सामने भी सुना रहा हूँ, यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स देने तैयार नहीं। सर हम 10 मिनट में बताते हैं, 10 मिनट के 6 घंटे हो गए, किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। नहीं तो सर आप कुछ ये बताओ ना, प्रोसेस करेंगे क्या है, डिसीजन होगा क्या हो सकता है। जब 1 तारीख को जो एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी डैमेज हो गई, जो भी हुआ हो हमें तो पता नहीं है कि हुई है कि नहीं हुई है। आप तो बताओ ना, बताते ना कि आपके संग ये हो गया। सही बात है, 3 तारीख को ज्योति कस्टमर को कोई पीछे नहीं है, नहीं तो नेट डैमेज है, वो एक्सेप्ट करो ना कि हाँ ये गलत हुआ। आपने तो अभी बोला कि आधा आधा भुगतान, आप तो सब रिफंड हो गए, आपकी चीज है। नहीं नहीं सर, मेरी चीज, मैंने 26 तारीख को इनके यहाँ गाड़ी बुक की थी, इन्होंने बोला कि पूरा पेमेंट जमा करा दें, आपकी गाड़ी बिल हो जाएगी और आपको 28 तारीख को मिल जाएगी। जब मैं 28 तारीख को इनके पास गाड़ी के लिए आया तो इनके यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर मैं 2 दिन बाद फिर आया तो ये बोलते हैं कि मेरे से साइन लेके आया। फिर 2 दिन बाद जब मैं आया तो ये बोलते हैं कि आपकी गाड़ी आरटीओ क्लियरेंस में है, अभी पोर्टल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का क्लियरेंस नहीं हुआ है, आपको कुछ दिन रुकना पड़ेगा। और 3 तारीख को संडे को सुबह अनिल रघुवंशी, इनका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, वो मेरे घर पे आता है, बोलता है कि आप इन कागज पर साइन कर दीजिए,
आपकी गाड़ी ग्वालियर से निकलेगी, तभी जब ये कागज आपके साइन हो जाएंगे, ये स्कैन करके मैं ग्वालियर भेजूंगा, तब जाके ग्वालियर से गाड़ी निकलेगी। गाड़ी ट्राले में लोड हो रही है, आप फटाफट साइन कर दीजिए। मेरे को अभी तत्काल शोरूम जाके इनको जो है ग्वालियर भेजना है। इनने कागज भी मेरे को पढ़ने नहीं दिए और सारे कागज साइन करा लिए। जब 4 तारीख को मैं सुबह मुहूर्त था मेरा, मैं जब इनके यहाँ गाड़ी लेने आया तो इनके जो हेड हैं टाटिया साहब बोलते हैं कि आपकी गाड़ी का 1 तारीख को एक्सीडेंट हो चुका है और आपको गाड़ी यही लेनी पड़ेगी जो टूटी टाटी है और इसको मैं रिपेयर करा के दूंगा। जब मैंने बोला कि रिपेयर्ड गाड़ी नहीं लूंगा तो ये मेरे से जो है बहस करने लगे और बोला कि आप चाहे जहाँ चले जाओ, आपको गाड़ी तो वही लेनी पड़ेगी। कौन सी गाड़ी थी आपकी? मेरी ब्रेजा थी ZDI प्लस। कितने पैसे जमा किए? मैंने 11,30,862 रुपए इनको 26 तारीख को एक मुश्त पेमेंट किया है। हम लोगों को इन्होंने गाड़ी देने का वादा किया। कितनी तारीख को? 26 तारीख को मैंने अपना जो भी है SBI से लोन लेके अपना पैसा ट्रांसफर कर। कौन सी गाड़ी बुक करवाई थी आपने? इको 5-सीटर AC। इन लोगों ने तुरंत अपना पैसा ट्रांसफर लेके हमें अश्योर कर दिया कि 2 तारीख को, वर्बली अश्योर करके रह गए, 2 तारीख को हम आपको गाड़ी डिलीवरी दे देंगे। 2 तारीख को गाड़ी डिलीवरी देने के लिए जब हम पहुँचे तो बोले कि नहीं आई है गाड़ी। चलो मैं अभी तो कोई गाड़ी नहीं आई है। 3 तारीख को पहुँचे तो भी कोई गाड़ी नहीं है। आनंद आप नया कोई मुहूर्त निकलवा लो, हमने सोमवार का मुहूर्त निकलवा लिया गाड़ी लेने के लिए, बट वो सोमवार को भी गाड़ी नहीं आई। और उससे पहले 1 तारीख से पहले 3 तारीख को इन लोगों ने झूठ बोल के कि आपकी गाड़ी ग्वालियर से यहाँ आ रही है, आप जो गाड़ी है ये पेपर साइन कर दो, ये पेपर जो है स्कैन होके जाएंगे, उसके बाद जो है आपकी गाड़ी वहाँ से रिलीज होगी, गुना आएगी। आपका 4 तारीख का मुहूर्त है, हमने इसलिए साइन कर दिए। साइन करने के बाद 4 तारीख को भी गाड़ी नहीं आई और 4 तारीख को ये लोग ये बता रहे हैं कि गाड़ी जो है डैमेज हो गई है जिस ट्रॉले से आ रही है, और उसके बाद कह रहे हैं कि गाड़ी जो डैमेज हुई है उसको रिपेयर कराएंगे हम और आपको देंगे। अब हम क्यों लें वो गाड़ी जो डैमेज है, जो एक्सीडेंटल है, और पूरा पैसा ये ले चुके हैं। अब हमारा सारे मुहूर्त चले गए, हमें नहीं चाहिए गाड़ी, हमें हमारा पैसा ट्रांसफ़र करो, तो भी ये मना कर रहे हैं। ये सरासर मारुति की दादागिरी है। मैं सारे कंप्लेंट नंबर दे चुका हूँ, साफ कुछ कर चुका हूँ, वहाँ पे से भी ऊपर से भी कोई जवाब नहीं आ रहा। ये लोग अपना कोई जवाब दे नहीं रहे, हमारा पैसा फंसा हुआ है। आपके पास हैंडओवर नहीं हुई थी ना गाड़ी? कुछ भी गाड़ी हैंडओवर नहीं हुई है, ना मेरे पास गाड़ी है, ना कोई कागज़ है, इवन कुछ भी नहीं है। पैसा आप दे चुके? मेरा पैसा दे चुके हैं। ये सीधा सीधा अपलोड कर रहे हैं, 4,32,538 रुपये मेरे अकाउंट से इनके अकाउंट में जा चुके हैं और तब से अभी तक मेरे को बैंक ब्याज लगा रही है। क्या बता रहे हैं, कैसे गाड़ी आपकी डैमेज हो गई? बोल रहे हैं जरा सा डैमेज है, आप तो लो गाड़ी, और अगर आपको गाड़ी नहीं लेनी है तो आप ट्रू वैल्यू पे कटाओ, ट्रू वैल्यू पे वो गाड़ी कटाओ, उसके बीच का जो भी डिफरेंस आएगा, आपको गाड़ी अगर नहीं लेनी है उसके बीच का जो भी डिफरेंस आएगा, जो भी आपको 50,000-60,000 जो भी आए, उसका आधा कंपनी भुगतेगी, आधा आप भुगतोगे। कोई आदमी, एक आम आदमी अगर पैसे गाड़ी लेके देने आता है तो इसलिए आता है कि मतलब इन लोगों की धोखाधड़ी में फंसे। एक मारुति रेनाउंड इंडिया की कंपनी है, वो ये करती क्या? कस्टमर केयर करती? कुछ नहीं करती कस्टमर केयर, परेशान करके रखा हुआ है इन लोगों ने। सर तो बेसिकली गाड़ी इन प्रॉपर्टी की है, गाड़ी के नाम बिल्ड है, इनवॉइस है, इंश्योर्ड है और RTO हो चुका है गाड़ी का, चीज़ इनकी, इनके बिहाफ पे वहाँ से यहाँ लेके आ रहे थे, रस्ते में डैमेज हुई गाड़ी। अब ये इंश्योरेंस क्लेम करेंगे, गाड़ी को ठीक कराएंगे, हमने ये आश्वासन दिया है कि जो खर्चा उसमें होगा वो हम भुगतेंगे। डैमेज कैसे हुई गाड़ी? रस्ते में आने से हुई। किस तरह? रस्ते में आने से हुई। हादसा कैसे हुआ? वो डैमेज कैसे हुआ? रस्ते में आने से हुई है। मतलब क्या ट्राला पलट गया? जो भी करा, दुर्घटना क्या हुई? दुर्घटना हुई रस्ते में। तो उसकी कोई FIR वगैरह? हाँ जी, FIR वगैरह नहीं है। होगा किसी को हानि थोड़ी हुई है? इंसोर्ड क्लेम कैसे होगा? होगा ना, अगर कैसे सर? अरे बोल तो रहा हूँ, कैसे जब FIR नहीं हुई तो इंसोर्ड क्लेम तभी होती है किसी सामने का हानि हो, कोई जरूरत नहीं है FIR की। आपका नाम? रजनीश।